अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो जी, ईद आने वाली है और कुछ दिन ही रह गए हैं ईद में। ईद की जानवर भी हमने ले लिए होंगे कुर्बानी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कैसी कैसी ईद की तैयारियां जा रही हैं। पकवान वाली ईद होती है ये, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बनाते हैं, बारबेक्यू होता है, पार्टीज चलती हैं बारबेक्यू की। अल्लाह ताला तमाम हमारी कुर्बानियाँ कबूल करें, हाजियों के हज को कबूल करें और उनके लिए आसानियाँ करें, आमीन सुमा आमीन। इस दुआ के साथ जी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये पास्ता है, ईजी सी रेसिपी है, बिल्कुल सिंपल सी, झटपट बन जाएगी आपकी। आपको चिकन चाहिए और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले जी मैंने एक कढ़ाई ले ली, वोक ले ली, ठीक है। उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है, देन उसके बाद उसकी खुशबू आने लग जाएगी। तो फिर उसके बाद मैंने इसमें चिकन ऐड करना है। जिंजर गार्लिक के साथ ही मैं चिकन को ऐड कर देती हूँ, क्योंकि उसके साथ चिकन की और जिंजर गार्लिक के साथ ही चिकन की भुनाई हो जाती है। फिर ये सारे स्पाइसेस से मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब स्पाइस लेवल को अपने अकॉर्डिंग भी मिक्स एंड मैच कर सकते हो, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हो तो, वैसे इसमें हॉट सॉस वगैरह भी डलती है, तो आप एट दी एंड बाद में चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये सारे स्पाइसेस ऐड करके हमने इसको कुक करना है, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो भी कच्चे ना रहें और इसके साथ गल जाए। थोड़ा सा आप पानी का चटा दे सकते हैं ताकि आपका चिकन भी साथ जो है वो गल जाए। फिर जी इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के अराउंड मैंने इसमें केचप ऐड की थी, सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करना भूल गई कि ये मैं जो है पास्ता बच्चों के लिए बना रही हूँ, बिकॉज़ बच्चे इतना स्पाइसी पसंद नहीं करते, प्लस वेजीज पसंद नहीं करते। वो चुन चुन के निकालते जाते, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। माओ के लिए वैसे ही खवारी हो जाती है, तो इसमें मैंने कोई वेजी ऐड नहीं की। स्पाइस लेवल को आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अपने लिए बना रहे हो, इसी रेसिपी में आपने वेजीज ऐड कर देनी है चिकन के साथ, ठीक है, ताकि थोड़ी सी वो भी क्रंची अच्छी लगती हैं पास्ता में। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुई भी अच्छी नहीं लगती पास्ता में। आप चाहो तो बाद में इस स्टेज के बाद पास्ता आपने जब बॉईल कर लेना है तो उसके बाद आप चाहो तो इसको बेक भी कर सकते हो ऊपर चीज़ की टॉपिंग दे के। रेसिपी वो भी चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहो तो वो भी जाके देख सकते हो, ठीक है। बच्चों के लिए ईजी सी सिंपल सी ये रेसिपी है, आप उनको स्कूल लंच बॉक्स में, उनको वैसे डेली रूटीन में आप दे सकते हो। दैट इज़ अ गुड ऑप्शन और एडिशन, ये एक अच्छा आपके बच्चों के मेन्यू में हो जाएगा। सो जी ये रेसिपी है, अगर आपको पसंद आए तो मुझे लाइक शेयर और कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी ईद, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।